हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। सोशल मीडिया पर एक ऐसी चीज ट्रेंड हो रही है जिसको लेकर शायद आप लोग शॉक हो जाओगे जानकर। जी हाँ, सोशल मीडिया पर जो चीज ट्रेंड हो रही है मैं कंप्यूटर पर लेकर जाकर अभी तुरंत बताने वाला हूं, और वो क्यों ट्रेंड हो रही है वो भी बताऊंगा, लेकिन उसका क्या हैशटैग वो बता दो। पेड मीडिया कांट हार्म सलमान खान, यानी कि बिकी हुई मीडिया सलमान खान का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आखिर क्या है ये माचुरा, चलिए आपको बताता हूं। मैं आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर आया हूं, और कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देखोगे बहुत सारे ट्वीट फटाफट आते जा रहे हैं। वहां पर सबसे यहां पर ट्रेंडिंग पे अगर लिखकर चक के दिखाऊं आपको, यहां पे लिखा है सेकंड नंबर पर पेड मीडिया कांट हार्म सलमान खान। ठीक है, साफ साफ लिखा है पेड मीडिया कांट हार्म सलमान खान, यानी कि सलमान खान को ये पेड मीडिया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आखिर ये क्या ट्रेंड हो रहा है और इसका मकसद क्या है, अगर यह आप जानना चाहोगे तो कुछ यहाँ पे फटाफट ट्वीट्स आ रहे हैं, उसको मैं ओपन करके दिखाना चाहता हूँ कि आखिर क्या है। यहाँ पे जो भी सलमान खान के फैंस है या सपोर्ट में है या अगेंस्ट में है, सभी ये एक हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, और वो ट्रेंड हो रहा है हैशटैग, और इसकी वजह से ही वो नंबर वन पे आ चुका है। लेकिन क्या ऐसी चीज है जो सलमान खान को इसके लिए ट्रेंड होते जा रहे हैं, चलिए मैं आपको मेरे वर्जन में बताऊं आखिर क्या माजरा क्या है ये। और ये माजरा मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अलग चीज है जो शायद आप लोग बहुत कम जानते होंगे। चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आखिर ये सब चीजें क्या है। तो आप सभी जानते होंगे कि प्रियंका चोपड़ा ने सलमान खान की भरत फिल्म छोड़ दी है, राइट। और जब से ही प्रियंका चोपड़ा ने सलमान खान की भरत फिल्म छोड़ी है, उसके बाद कहीं ना कहीं कई सारे आर्टिकल्स प्रियंका चोपड़ा को लेकर आए कि ये उन्होंने गलती कर दी, सलमान खान की फिल्म छोड़ दी, उन्होंने शादी कर ली, लास्ट मोमेंट पर भाईजान की फिल्म छोड़ी। उसकी कहीं ना कहीं उससे भाईजान के फैंस जरूर अपसेट थे, अपसेट तो मैं भी था, लेकिन हम सभी ने ये सोच लिया कि चलो कोई बात नहीं, शादी है, उससे शादी करना ठीक है। उसके बाद कैटरीना कैफ आ गई, कैटरीना कैफ सलमान खान को हमने देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा उनकी जोड़ी, ऑलरेडी सब भूल गए थे। लेकिन अगर आप देखोगे दो से तीन हफ्ते से सलमान खान से जब से प्रमोशन करने लगे सलमान खान, तब से ये खबरें बहुत आ रही कि सलमान खान कहीं ना कहीं थोड़ा खिल्ली उड़ा रहे प्रियंका चोपड़ा की, या फिर मजाक करते नजर आ रहे हैं कि प्रियंका चोपड़ा ने उनकी सबसे बड़ी फिल्म छोड़ दी, या ये उन्होंने गलत फैसला लिया, बहुत लोग अपनी शादी तोड़ देते इतनी बड़ी फिल्म के लिए, लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने ये फिल्म छोड़ दी जो उनकी सबसे बड़ी फिल्म होने वाली थी। और क्या क्या पता नहीं, काफी चीज है, कुछ तो ऐसे ऐसे भी मुझे कोट्स मिले जिस पर मैं यकीन नहीं कर सकता हूं कि ये सलमान खान ने खुद कहा होगा, कुछ चीजों पर मैं खुद यकीन नहीं कर पाया था। तो हाँ, वही सब चीजें लेकर अभी ट्रेंड हो रही है पेड मीडिया कांट हार्म सलमान खान। और ये सिर्फ एक मसला नहीं है जिसको लेकर ट्रोल हो रहे हैं सलमान भाईजान, इसके अलावा कई सारे जो पुराने कुछ मसलों को उखाड़ा जा रहा है सलमान खान के, चाहे वो एक था 3-4 साल पहले मीडिया उन्हें पूरा, यानी कि जो फोटोग्राफर्स है उन्होंने पूरा बॉयकॉट कर दिया सलमान खान को, एक वो मुद्दा उछाला जा रहा है, और एक ट्वीट उछाला जा रहा है अनुपमा चोपड़ा का, जो उन्होंने एक आर्टिकल में उनकी वेबसाइट पर उन्होंने डाला है कि सलमान खान के पास एक दफा वो 90s के दौरान एक इंटरव्यू के लिए गई थी, जहां पे सलमान खान ने कहा कि तुम्हें अगर इंटरव्यू चाहिए है किसी तरह से तो आपको हमारी चैरिटी जो है उसे कुछ पैसे देने होंगे, क्योंकि वैसे भी आपकी जो मैगजीन है उसमें मेरा चेहरा लगने पर वो काफी ज्यादा मैगजीन कमाएगी, तो सर्टेन अमाउंट भी सलमान ने मांगा। इस तरह से उसपे कहा गया है उस क्या कहते हैं उस आर्टिकल में। तो कई सारी चीजें जिसको एक तरह से ट्रेंड होती जा रही है, और यहाँ पे सलमान खान ने कई दफा कहा है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, उनका जो बिहेवियर जैसा है वो वैसे ही रहेगा, वो बिंदास है, दबंग है, उसी तरह से रहेंगे, और मेरी राय जहां तक है एक स्टार है जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा, जैसा भी हो नेगेटिव पॉजिटिव उनकी फिल्में लोग देखने जाते हैं, लोग पसंद करते हैं, ही इज द बिगेस्ट सुपरस्टार करेंटली इन बॉलीवुड इंडस्ट्री। तो मुझे नहीं लगता ये ट्वीट से बहुत ज्यादा कुछ होने वाला है, बिगड़ने वाला है, उल्टा ये भारत फिल्म का ज्यादा ही प्रमोशन होगा। ये सब ट्वीट्स को लेकर आपकी क्या राय है और क्या लगता है? और मुझे भी लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ मीडिया हाउसेस शायद बदनाम करने के चक्कर में पड़े हैं कुछ, क्योंकि यहाँ पर साफ है कुछ आर्टिकल्स का भी, अभी एक्चुअली एक इंटरव्यू अली अब्बास जफर ने दिया है, और एक मीडिया को उनसे उन्होंने पूछा है कि प्रियंका चोपड़ा के फैंस लोग ये पूछ रहे हैं कि प्रियंका चोपड़ा जब फिल्म में है नहीं तो उनका नाम क्यों छला जा रहा है, उनका नाम क्यों बार बार लिया जा रहा है या बदनाम किया जा रहा है, कैटरीना कैफ आ चुकी है, बस हुआ ना, क्यों इतनी दिक्कतें हो रही है। तो वहां पर अली अब्बास जफर ने कहा कि जो लोग हमें जानते हैं, सलमान भाई को जानते हैं, प्रियंका चोपड़ा को जानते हैं, तो उनको बता दो प्रियंका सलमान हमारे बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ये कुछ किसी कोई और ही कर रहा है, इस तरह से कहीं ना कहीं हिंट दिया है डायरेक्टर ने, यानी कि किसी तरह से सलमान खान का नाम बिगाड़ने की कोशिश की गई है,
सलमान खान का जो एक स्ट्रांग बॉन्डिंग है प्रियंका चोपड़ा के साथ वो तोड़ने की कोशिश की गई है। तो इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए फिलहाल इतना ही।